नमस्कार दोस्तों, आज सभी का स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। तो भाई देखिए, अभी सुबह सुबह का समय, मौसी ने इधर चौका बर्तन कर दिया है। चौका बर्तन चूल्हे का वो तो दिया है। तो देखिए सब कंडे अंडे उसी दिन के सूख रहे हैं। मौसी ऐसी कुल्ला उल्ला करके आ चुकी है। पापा लेटे, चलिए हम चलते हैं पापा नानी के घर। ये राजी ने दिखा दिया था, देखिए गाइस हम लोग का घर। इधर से छप्पर अपर पड़ा है और इधर ये रहा बंगला। ठीक, ये देखो मौसी लकड़ी ला रही है। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पतली नानी के घर, नानी के यहाँ, देखते हैं क्या हो रहा है, उसके बाद आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ गाय बंधी हुई है, उधर देखिए ऋषि है। अरे हमको कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें जो है ना धूप इधर से आ रही है, तो स्क्रीन पे जो है ना दिख नहीं पा रहा है। चलिए चलते हैं, आपको ले चलते हैं नानी के घर। यहाँ आपको कई दिनों से मतलब बहुत बहुत कम वीडियो दिखाया है, अब दिखाते हैं। किसने, चलिए हम पहुंच जाते फिर दिखाते हैं। मौसी क्या कर रही हो? देखिए गाइस मौसी यहाँ पे जो है ना चाय बना रही है। धुआं बहुत है इधर। आइए और दिखाते हैं मौसी क्या कर रही है इधर। मौसी इधर बर्तन वर्तन ले रही चाय निकालने के लिए। ये मौसी की मशीन दिख नहीं रही जिससे चारा हरा कटता है। ये देखिए गाइस, और ये देखिए अंदर से कुछ ऐसा है यहाँ पे। ये पहले यहाँ पे हम लोग का घर था, यहाँ टूट गया, नाना ने उधर बनवा लिया। सारा दिन हो चुका है, अभी शाम होने आई है, यही 2 बज चुके हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं खेत पे, थोड़ा सा घूम के आपको थोड़ा व्यू दिखाएंगे और दिखाएंगे उधर भागवत जो हो रही थी वो भी दिखाएंगे आपको, और दिखाते हैं आपको वहाँ का सारा व्यू, सारा मतलब गांव को थोड़ा बहुत जो दिखता है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, अभी हम लोग चलेंगे। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं, मम्मी देखिए छुप रही है। हमारा रितेश, रितेश देख ऊपर, ये कैमरा मैन फोकस करो। देखिए रितेश पूरी तरीके से कैमरे में देख रहा है, अब कहाँ ध्यान जा रहा है इसका। रितेश भी अब हमारे साथ जाएगा। गाइस देखिए सब लोग चल रहे हैं, खाली नानी और मौसी यहीं पे रहेंगी। तो चलिए हम लोग फटाफट चलते हैं खेत पे। ये अंजलि मौसी ने इतना बड़ा डंडा ले लिया है बेरेल लाने के लिए, डंडा लेकर चलेंगे। देखिए अभी एक ब्लॉगर ब्लॉगिंग नहीं कर रहा है कौन सा। सो गाइस देखिए अब हम लोग जा रहे हैं रितेश को ले, रितेश आ नहीं रहा है। तो चलिए गाइस अब हम लोग चलते हैं फटाफट से खेत पे। पापा की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। रितेश भी आ गया। तो गाइस अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे भागवत किस तरीके से हो रही है। ये देखिए यहाँ पे भागवत का सब कुछ, ये देखिए जैसा कि आप लोग सजा हुआ है। खेत में जा रहे हैं अब, यहीं पे भागवत हो रही है, इधर ब्रह्म बाबा की ब्लॉगिंग चल रही है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं खेत पे, और 2 दिन बाद यहाँ पे अष्टमी का मेला है। देखिए सब लोग आ रहे हैं पीछे, और अभी जो है ना धूप काफ़ी कम है तो इसीलिए थोड़ा सा ठंडा लग रहा है और अच्छा भी फील हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग ने सोचा कि चलो खेत चलते हैं। इतने दिन से हम लोग खेत इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि कड़क धूप थी और यहाँ एक एक की तबीयत खराब होती जा रही। यस दोस्तों, ये देखिए आप यहाँ का व्यू, आज बादलों ने धूप को घेर रखा है। ये
गाइस आपको जो है ना ये खरंजा की रोड हमने कई दिनों से दिखाई नहीं थी, तो अब आज मौका मिला है आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखाने का। और अभी हम लोग खेत पे भी जाएंगे, वहाँ दिखाते हैं लोग हमें लोग कितने धीरे धीरे चल रही हैं। यहाँ पे देखिए पुलिया उलिया अभी बन चुकी थी, चलिए चलते हैं। ये देखिए गाइस गांव मतलब खेत, यहाँ से वहाँ तक पूरा खेत है। आ रही हैं मम्मी, किधर चलना है? इधर इधर ना, इधर, अच्छा इधर चलना है। तो गाइस हम लोग चलते हैं उधर। यहाँ पे देखिए बैटरी रिक्शा भी चलने लगा, इसीलिए तो हम लोग आते जाते हैं। इस बार मामा हम लोग को छोड़ने आए थे, आप लोगों ने ब्लॉग देखा ही होगा। इधर से मम्मी जाना है। तो गाइस हम लोग के ब्लॉगिंग चालू है, ब्लॉगर कहाँ गया? तो गाइस अब फिर से हमें इन कांटों से जूझ कर जाना पड़ेगा। चलिए पहले निकल लेते हैं, वरना यहाँ पे फोन उन गिर गिर गया। तो निकल चुके हैं, बाकी लोग देखते हैं कैसे निकलते हैं। मम्मी लोग चले निकलते हैं, हम लोग चलते हैं थोड़ा इधर। ये देखिए हरी हरी घास, यहाँ सारे गेहूं वेहूँ हैं। ये देखिए गाइस यहाँ पे पतली पतली मेड़ों से लोग चलते हैं, चलते हैं मतलब। तो गाइस जब हम लोग हम तो निकल चुके हैं, राजीव भी आ रहा है। पापा देखिए धूप में अंगोछा लपेटे, पापा की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। रितेश रितेश बहुत दूर, किधर? उतनी दूर है खेत जहाँ दिख रहे, इस पेड़ के आगे जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, इस पेड़ के आगे पेड़ जो दिख रहे हैं। अच्छा उधर है, इतनी दूर। ये देखिए गाइस रितेश आ गया है। देखिए गाइस अभी राजीव नहीं आया है, आ जाए फिर चलते हैं। वो देखिए गाइस राजीव आ रहा है। आप लोग गांव का व्यू देख सकते हैं कितना सुंदर आता है वहाँ तक। अभी आपको ले चलेंगे वहाँ पे, बढ़िया छांव में बैठेंगे बेर के पेड़ के नीचे, अब बेर भी खाएंगे। देखिए रितेश पीछे पीछे चल रहा है, राजू देखिए आ रहा है धीरे धीरे। जल्दी से आ जाए फिर चलते हैं हम लोग भी। उधर भी देखिए बैठने वाला बना है, इस पे जो है ना लोग बैठ के अपने खेत को देखते हैं। आई मीन इसलिए क्योंकि जानवर आवा जाते हैं तो उनका नुकसान हो जाता है इसलिए। और ये भी जो आप देख रहे हैं ना, जिसको हम लोग पार करके आए हैं, इसको भी इसलिए लगाते हैं कि कोई जानवर अंदर ना आके इनके मतलब खेत को बर्बाद कर दे। क्योंकि कोई भी जानवर आता है उन्हें हरी हरी घास वैसे ही पसंद है, तो वो खाते हैं और नुकसान हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे मस्ती कर रहा है। चलिए चलते हैं, राजीव भी आ गया है, अब सब लोग आएंगे फिर चलेंगे आगे। राजीव आ गया है तो चलिए चलते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर गेहूं की, पापा बता रहे हैं राजीव कि हम लोग का खेत जो है ना उधर है, वो जो पेड़ दिख रहे हैं वो के पीछे एक पेड़ दिख रहा है और उधर है अपना खेत। छोटा सा नहीं, इतनी पास में नहीं है, वो के आगे देखो वो उधर पेड़ दिख रहे हैं, उधर इतनी दूर। तो गाइस देखिए सब लोग आ चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं फटाफट। काफी लंबा रास्ता है तो थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे और थोड़ा सा खुद चलेंगे। गाइस अभी जो है ना यहाँ के मेले के 2 दिन बचे हुए हैं, अभी 2 दिन बाद यहाँ पे मेला होगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे। अगली बार भी कुछ ऐसा ही था, हम लोगों ने मेले के एक दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उस बार जब आए थे ना तो थोड़ा कम वीडियो बना पाए थे क्योंकि अपलोड होने में बहुत समय लगता था, लेकिन इस बार हो जा रहा है। तो देखते हैं इसके आगे और किधर से जाना होगा। इधर से ये पतला रास्ता दिख रहा है ना, इधर ही से जाना होगा। यहाँ देखिए ये उसका बब्बूर का पेड़ है, बहुत दूर है अपना खेत। जल्दी जल्दी आओ। देखिए मौसी अपनी डंडा डंडा व्यवस्था करे हैं, वहाँ बेर वो निकाल वो लेके चलना है हम लोग। चल देते आगे आगे कहे वो गाइस जो है ना मौसी के चप्पल है, वो मौसी ने इसलिए एडजस्टमेंट किया हुआ क्योंकि जब मेरे चप्पल थे वो घर पे रह गए और मौसी को इसलिए दूसरे पहनने पड़ रहे हैं, एक पैर का अलग और एक पैर का अलग, फिर भी सेम लग रहे हैं, आप लोग बता नहीं पाएंगे कि अलग अलग है। रितेश भी देखिए पीछे पीछे आ रहे हैं, और ये देखिए आप लोग
खेत में कितना बढ़िया लग रहा है, हवाएं चल रही हैं, धूप भी कम है। देखिए गाइस दोनों तरफ गेहूं है ना, उसी दोनों तरफ गेहूं, और बीच में कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए हम लोग इन पेड़ों तक तो आ चुके हैं और उसके आगे जाना है। पीछे मम्मी, राजीव, मौसी, ये रितेश आ रही थे जल्दी। तो हम लोग फटाक से अपने खेत पे चलते हैं। फिर में गाइस ये देखिए मौसी, ये सब लाही है, ये इधर देखिए गाइस, सब लोगों ने अपनी लाही काट के यहाँ पर रखी हुई है। ये देखिए गाइस आप लोग यहाँ देख सकते हैं, उधर पापा लोग आ रहे हैं। कितना मस्त मौसम है भैया, बहुत अच्छी हवा चल रही है, धूप भी बहुत कम हो रही है। यहाँ पे बारिश भी हो ना तो भी बढ़िया है। कहीं पे वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, पानी निकलता है। गाइस अभी कुछ दिन पहले आए थे ना, तो ये सारी लाही जो है ना खड़ी हुई थी, और अब ये कट चुकी है। तो वो जो बेर का पेड़ है ना, ये बेरी इसमें लगी हुई है, बेर तो ये खड़ा हुआ है, दिख रहा है दूर से ही, वरना पहले जो छिप रहा था, इतनी बड़ी बड़ी लाही थी। तो अब मौसी इसी से बढ़िया बढ़िया से बेर लेंगी, इसमें थोड़े अच्छे बेर हैं, ब्यूटीफुल फूल ले लिया है हमने। वो देखिए एक ब्लॉगर आ रहा है इतनी दूर, और हम इतनी आगे, मौसी हमसे भी आगे। मौसी बेर देखने जा रही है कि पके के हैं, तो वो मौसी ले ले। यहाँ भी देखिए लाही, क्या मौसी बेर तोड़ने जा रही हो। ये देखिए गाइस इसमें आपको देख सकते हैं बेर, अब लग रहा पके पके नहीं बचे। पके पके बेर तो सारे गायब, जंगलेटर छोटी है लगे बहुत सारे। खेत कटे हैं, कोई खाए ना आवत नहीं। पापा ये पकड़ो जरा बोतल। तो गाइस देखिए यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे बेर है। मम्मी एक वाला बड़ा वाला दो, देखे रहे कांटा लग गया तुरंत देना। अरे ये बढ़िया नहीं है, कांटा उठा के ना। गाइस मुझे एक बेर मिला तो कितना पका हुआ है, टूटा ही पूरा, पूरी व्यवस्था से आई हो तुम्हें लगा के डंडा पंडा लेके। उधर बेर है नहीं, है नहीं का सारे गिर गए हैं। अरे नीचे गिर दिए यार, कैसे उठाइयो कांटा है, इधर सारे काटे काटे हैं। हम बताए कम मित्र यहाँ पकड़ो आके। गाइस बेर खा के बहुत अच्छा लग रहा है, खाके बेर खाके बेर ही बता रहे, बेर खा लिया। आप लोग जा रहे खेत पे, मार दिन गुटली, चलिए गए चलते हैं, बेर खा रहा हूँ। लाओ मुझे बेर, अरे हटो अंजलि बोलती, बेर ला दो दूठो। मम्मी पूरी पन्नी लो, हमारी पन्नी खाते ना, चलो बेर है बेर है। अरे दूठो ला दो उधर, इमली खट्टी ऐसे कुछ शॉर्ट बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए गाइस गेहूं फूल, ये देखिए गाइस गेहूं गेहूं काटे वाले आ गए। खेत का क्या व्यू आता है। अबे अम्मा के घर है,
चलिए गाइस हम लोग अपने खेत पहुंचने वाले हैं। वो देखो कैसा पेड़ है मम्मी, आधा कलर एकदम हरा है, वो है आम का, मोटी मोटी है, आधा एकदम हरा आधा हल्का हरा है, आम लग रहे हैं। अच्छा आधे नहीं लगा दे, अरे तो ये तो बड़ा वैसा पेड़ है। चलिए पास से देखते हैं, चल के पार करके आ चुके हैं, मम्मी लोग आ रही हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे पूरा सन्नाटा, वो देखिए कैसे वो पुतला बना है, अरे मटरा ही है ना, देखो वो देखिए, अरे वो भी गाय भैंस जानवर इन सब चीजों के लिए है, जिससे लगे कि यहाँ पे कोई खड़ा है और फिर गाय भैंस आएंगी नहीं। उधर वो पानी भर रहा है, वह मछली है, देखते हैं आज गाइस ली है कि नहीं। अरे यार इस पे चलना जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आदत नहीं है ना, कांटे और ये सब लकड़ी लकड़ी सब लगी पड़ी है। अरे मौसी तुम तो चढ़ गई हो, हम कैसे चढ़ी, चढ़ गए। वो देखिए पतला, मुश्किल है बरिया दुई बरिया की, अरे बात हो ये अपने। अच्छा ये गाइस हम लोग का खेत है, मछली है, देखिए चले चलो देखते हैं। भाई इतनी कड़क धूप है कि यहाँ देखो सब चिटक गया। मम्मी तुम किधर जा रही हो, चलो हम भी ताल के पास चलते हैं, इसमें देखते हैं मछली है कि नहीं। ओह अभी जल्दी में जो है ना खेत में पानी लगा है, लगाया गया है, मतलब जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन ही शायद यहाँ पे पानी लगा है। तो कब पकड़ियो भैया, हम पानी में कभी नहीं घुसते, तो नहाती भी नहीं। चलो इतना ऊंचा ये पहाड़ जैसा बना है मम्मी, हम लोग उस दिन किधर से देख रहे हैं, इधर ही कहीं से ना, इधर से सामने। तो लोग उधर छाए में चलते हैं, छाए में बैठेंगे तब वीडियो पे आपको सब दिखाए बताए। इस पेड़ के नीचे भी कम छाँव है क्योंकि जो है ना ये झड़ चुका है, आम का है ना, आम का क्या है, महुआ का ना, सूख के सारे पत्ते नीचे गिर चुके हैं। वो देखिए तलैया, उसमें मछली अभी नहीं निकल रही है क्योंकि अभी धूप निकल रही है। उस दिन हम लोग उधर ही सड़क से जा, देखिए जहाँ पे वो साइकिल से जा रहा है कोई, उधर ही से हम लोग देख रहे थे। पेड़ की छाया है भैया, पेड़ भी सारे सूख चुके हैं। MB पेड़ में लोग लिख दे रहे हैं, क्यों एन। अरे प्रभु पैर में बहुत तेज लग रहा है। उधर और जहाँ हरा भरा पेड़ है ना वो उसके नीचे बैठेंगे हम लोग। जल्दी आओ, ये इधर भी देखो ये गाइस लाही कटी हुई है, इधर से निकले पूरा तो बंदी करा है। हाँ हम लोग देखिएगा जब थोड़ा छाँव में आ गए, ये पेड़ थोड़ा हरा भरा है ना तो इसके नीचे थोड़ी सी छाँव लग भी रही है, वो उधर पूरा सूखा हुआ है। ये जामुन का है, जामुन तो दिख नहीं रहे, खाना पानी साथ में, खाना पानी का बेर और पानी को पिए। वो देखिए गाइस पापा और राजीव आ रहे हैं, कैसा लग रहा है मम्मी इसी धूप में चल के तुमका? अरे बहुत थक गए, चली गई, यहीं पर बढ़िया खाना लिया, चटाई बिछाओ बैठ के खाओ, है ना मम्मी। कहाँ है नानी का खेत, यही वाला तो है, वही तो जहाँ से गुजर के आए हो।
में आ गए हम लोग। हाँ पापा भी आ चुके हैं। तो हे गाइस अब देखिए हम लोग फाइनली यहाँ पर ठहर चुके हैं। अब इसके आगे और जाएंगे भी नहीं, देखिए आगे खेती खेत है। 6-7 शॉर्ट बना करके अपने घर से हम लोग कुछ दूरी पर हैं, कुछ नहीं ज्यादा ही दूरी पे होंगे। और वो आम का पेड़ है जो एकदम सूख चुका है ना पापा। चलिए अब शॉर्ट बनाते हैं। खुल चुका है, फिर से नीचे आना पड़ेगा, यहाँ दिख रहा बहुत साफ। देखिए अंजलि उसी कपड़े धो रही है। मम्मी लोग उधर हैं। कहाँ भैया? ये इधर है, मौसी आ रही है। मछली पकड़ना भी एक कला है। मैंने अभी भी यहाँ पे वो शॉर्ट वीडियो बनाया है, तो अब चलते हैं। मम्मी पानी लो, प्यास लगी है। एक और बनाओ वीडियो। हाँ भाई कोई पीना नहीं। एक और वीडियो बनाओ गाने। चलिए गाइस चलते हैं घर। मम्मी बस ये वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। मारा है अभी खत्म नहीं, उनको दिखाना है फूफा का। कौन फूफा? ये फूफा है लटके पड़े। बस गाइस खत्म। गाइस हम लोग घर जा रहे हैं। देखिए अब कथा शुरू हो चुकी है, 10 बजे खत्म हो गया। अभी दिखाते हैं आपको कथा कहाँ मतलब कैसे हो रही है। ये देखिए गाइस कैसे पेड़ ने सब कुछ छांव दी हुई है। ये देखिए गाइस सब कोई वाला नहीं लेना। अच्छा कथावाचक शक्ति है। अच्छा वो रहे कथावाचक दिख गए। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया कथा शुरू हो चुकी है। तो तक कथा चल रही है पीछे। पंडित जी भी अंदर।